बिहार विधानसभा में आज विपक्ष के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया है। महागठबंधन के विधायक बैनर और पोस्टर लेकर रेल में आ गए। विपक्ष के विधायक विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष के हंगामे के बाद स्पीकर नाराज हो गए, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। अपने स्थान पर जाके बैठिए, वहां से बोलिए, यहां से कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अपने स्थान पर जाके बैठिए, वहां से अपनी बात कहिए। ये आप बेल में खड़ा होकर कहिए, बोलने के लिए अनुमति नहीं हो सकती है। आप पहले अपने स्थान पर जाइए, धमकी नहीं दीजिए, उलट के दिखाइए। केवल उलटने की धमकी देते हैं, याद समझ लिया? अरे क्या पैदा करना चाहते हैं, करके दिखाइए। कोई बर्दाश्त नहीं किया जा रहा लगता। लोकतंत्र में विमर्श के लगा है, अपनी बात कहिए, पूरी बात सुनी जाएगी। अपनी जगह पे जाइए, वहां से अपनी बात कहिए। तो कल आरक्षण को लेकर हंगामा हो रहा था बिहार विधानसभा में, और आज का दृश्य आप देख रहे हैं, विशेष राज्य की मांग को लेकर ये हंगामा। सीधे मैं आपको पटना लिए चलता हूं, मेरे साथ शशांक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। शशांक, ये तो वाकई बहुत ही सोचने वाली स्थिति है, अगर स्पीकर को ये कहना पड़े वहां मौजूद विधायकों से कि मुझे धमकी मत दीजिए। देखिए, दरअसल जो महागठबंधन के विधायक हैं वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे थे कि रिपोर्टर टेबल को हम पलट देंगे, तो वही स्पीकर ने कहा कि धमकी मत दीजिए। और आपको बता दूं, आज विधानमंडल के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, भारी हंगामा जो है महागठबंधन के विधायक कर रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि विधानसभा विधान परिषद से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विकास तभी हो पाएगा, फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं दी। और लोग ये भी कह रहे हैं कि बजट में बिहार को कुछ भी विशेष नहीं मिला है, ना पैकेज मिला, ना कोई बड़ी सहायता मिली है। सो नीतीश कुमार जो हैं बिहार को उसका हक नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर जो है आज भी सदन के अंदर जो है हंगामा जारी है। बिल्कुल, और हंगामा जारी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वहां मौजूद विधायक ये धमकी दे रहे हैं कि हम टेबल पलट देंगे, इसका क्या मतलब है? अपनी बात वो कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीजों से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं।